उस लायक नहीं हूँ। बहुत सुंदर बहुत अभिव्यक्ति सुंदर, बहुत आपकी, सुंदर बहुत सुंदर। जी। और हमारे साथ में अब श्रीमती पूजा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। पूजा गुप्ता जी का, नमस्कार पूजा मैम, गुप्ता जी, नमस्कार जी पूजा सभी गुप्ता को। जी, जी 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 नमस्कार, आपका हार्दिक अभिवादन। आप आप एक सुन पा रहे हैं सॉफ्टवेयर मैम मुझे? इंजीनियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी हम आपको सुन पा रहे हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आप बिल्कुल बताइए आप मैम। मुझे। चलिए तो फिर मैं जी सुना मैम, देती हूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंजीनियर होकर के भी एक सृजन करता है। ये बहुत, मतलब देखिएगा, आप इंजीनियरिंग करते करते धन्यवाद लेखन कर रही हैं। लेखन कार्य के अलावा आप ज्योतिष विद्या भी जानती हैं, आप एक ज्योतिषी भी हैं। जी चलिए, ये तो बहुत जी अच्छी बात है। कल को हमें अपनी कोई कुंडली वुंडली दिखानी होगी तो डेफिनेटली हम आपको दिखा बिल्कुल सकते बिल्कुल बिल्कुल मैम, कभी भी एनी टाइम आप दिखा हैं। सकते हैं। जी, आप 200 से अधिक कहानियां, कविताएं और स्क्रिप्ट का लेखन कर चुकी हैं। और जी तथा हिंदुस्तान टाइम्स के जो टॉप 100 वुमेन्स थी, उसमें भी आपने अवार्ड प्राप्त किया है। और प्रेसी जैसा आपने उपन्यास लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके उस प्रेसी उपन्यास को हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। चलिए, तो आपके जरूर लिए मैम, चार धन्यवाद। पंक्तियां पंकज उधार की मैं आप उधार लेकर के आपको समर्पित करती हूँ। जज्बातों में आज मिलन की प्यास जगा कर रख दो ना, जज्बातों में आज मिलन की प्यास जगा कर रख दो ना, दिल में मेरे प्यार की थोड़ी खुशबू ला कर रख दो ना, सिर्फ तुम्हारे नूर में घुलकर मुझको ये शब जीनी है, सुनो गगन में चमक रहा है ये चांद बुझा कर रख दो ना। क्योंकि अब हमारा चांद निकल वाह गया मैम, है तो हम चाहते हैं कि वो चांद बुझ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन पूजा इतनी जी। इतनी इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए आपको धन्यवाद, और बहुत शानदार मंच संचालन के लिए आपको बधाई देती हूँ। मैं पूजा स्वागत। गुप्ता प्रीत मुंबई से हूँ। माणी माँ भारती द्वारा आयोजित साहित्य साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए किया जा रहा है, इस अवसर पर जी आभार व्यक्त करती हूँ मंच से जुड़े सभी आदरणीय साहित्यकारों का, जिन्होंने इस मंच पर मुझे कविता पाठ का अवसर दिया। मैं बहुत नई हूँ लेखन जी में, आप लोगों के समकक्ष आज बोल पा रही हूँ, ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत जी, आज से है कल आपका। का सफर पल में ये तय करती है, बस यादें ही हैं जो कभी नहीं मरती है। ऐसी ही कुछ खूबसूरत यादों के कुछ किस्से मैंने अपनी कविताओं में लिखे हैं, आशा करती हूँ आप लोग अच्छा, सुनकर उस यात्रा का आनंद लेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई भूल चूक हो जाए मैम तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आदत नहीं है इन चीजों की बात इसके नहीं। लिए। अरे कोई बात नहीं, हम घर में बैठे जी हैं, हम घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत जी नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से अपनी रचना का पाठ कीजिएगा। जी मैम, मेरी पहली कविता उनके लिए जिन पर लिखना जरा मुश्किल है। एक ऐसी लड़की की मनोदशा है जो अपनी माँ की भेजी हुई पुरानी चिट्ठी पढ़ रही है। अच्छा, जी, एक पुराना बंद लिफाफा बरसों बाद जो खोला मैंने, एक पुराना बंद लिफाफा बरसों बाद जो खोला मैंने, माँ की चिट्ठी से घर सारा महका सा पाया मैंने। कुशल क्या क्षेम के बात है, बाद लिखा था ढेर सारा प्यार मुझे, कुशल क्षेम के बाद लिखा था ढेर सारा प्यार मुझे, एक एक शब्द में झलक रहा था उनका लाड़ दुलार मुझे। अच्छी गृहिणी बन जाने के गुण सिखलाए थे आगे, उठ जाना जल्दी से गुड़िया इससे पहले सब जागे। कहीं सुनी छोटी बातों को दिल से कभी लगाना मत, पर झूठे लोगों के आगे खुद को कभी झुकाना मत। मुश्किल और होगा थोड़ा जीवन पर चिंता की कोई बात नहीं, मुश्किल क्या होगा थोड़ा जीवन पर चिंता की कोई बात नहीं, तुझ पर है विश्वास बड़ा तू मानेगी कभी हार नहीं। सबका ध्यान बहुत मुझे बढ़िया, रखने की, सबका ध्यान मुझे रखने की ढेर नसीहत हथ में थी, अपना ख्याल भी रखना है ये खास हिदायत साथ में थी। खत को पढ़कर उनके हाथ को सर पर ही पाया मैंने, कुछ पल को खुद
खुद को उनके आंचल में ही पाया मैंने। नए जमाने की दुनिया में चिट्ठी अब कम आती है, नए जमाने की दुनिया में चिट्ठी अब कम आती है, दूर रहूं कितना भी चाहे मुझ में आप समाती है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ऋतुराज बसंत, ऋतुराज जी ने भी कन्यादान नामक एक कविता लिखी है, उसमें कुछ इसी तरह के भाव हैं। बिल्कुल, वो कन्यादान में जब बेटी की विदाई होती जी है तो बेटी को वो सारी शिक्षाएं देती हैं जो आपने अपने इस जी चिट्ठी के माध्यम से अपनी बेटी को शिक्षाएं दी हैं कि तुम्हें आगे क्या-क्या करना है, कैसे करना है, अपने जीवन को किस तरीके से सुगठित करके समाज और अपने ससुराल जी पक्ष के सामने रखना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, साधुवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जी। दीपिका मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक पुरानी जी, खिड़की। हाँ जी, दीपिका जी, राहुल जी और नीता जी और तारा दीक्षित जी, चारू जी, आपको बहुत उत्साह वर्धन कर रहे हैं। खुशबू जी जुड़ी जी धन्यवाद, हैं, हाँ सभी का बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जी खुशबू मेहता जी को आना था, लेकिन आज वो उनके यहाँ जी कोई कार्यक्रम था तो फिर उन्होंने जी अच्छा किया ना, उस बहाने से हम आपसे भी रूबरू हो पाए। कोई बात नहीं, जी खुशबू जी मैम, को हम उनको कहते धन्यवाद है, हैं। खुशबू जी को, उन्होंने जो है मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैम, मेरी नहीं बहुत अगली अच्छा कविता लगा का जी शीर्षक है जी एक जी हाँ पुरानी जी हाँ खिड़की। जी स्वागत। तो यादों की गलियों से गुजरते हुए बहुत कुछ याद आ जाता है, ऐसा जो हमें हमसे ही मिला बिल्कुल, देता है। तो ऐसे ही यादों के बिल्कुल कुछ छोटे छोटे पल हैं जो इस कविता में मैंने सहेजे हैं। कविता जी, स्वागत है, पढ़ती हूँ मैम जी। स्वागत। कितनी यादें याद आ गईं, पल भर में सो सदियां देखी, अनजानी सी राहों में कल एक पुरानी खिड़की देखी। कुछ बिखरी बेरंग हुई सी, कुछ बिखरी बेरंग हुई सी, कुछ टूटे अरमानों जैसी, कहीं अनकहीं कितनी सारी बातों की एक गठरी देखी, एक पुरानी हाँ, खिड़की देखी। क्या माँ बात है, का आंचल था मैं इस पर, माँ का आंचल था मैं इस पर, रंग बिरंगी दुनिया देखी, सख्त लफ्ज और नरम दिल लिए, सख्त लफ्ज और नरम दिल लिए, बाबूजी की झिड़की देखी, एक पुरानी खिड़की देखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत यही सुंदर। खड़े कितनी ही आंखें, यही खड़े कितनी ही आंखें, हमने सपने बुनती देखी, कितने टूटे अरमानों की हमने उठती अर्थी देखी, एक पुरानी आहा, खिड़की देखी। बहुत खूब, बहुत बालों में खूब। गुलाब सजाए, बालों में गुलाब सजाए, अपनी खास सहेली देखी, उसकी उलझी बातों में जब खुद की बात सुलझती देखी, एक पुरानी खिड़की देखी। आहा, दूर खड़ी एक जोड़ी आंखें हमने खुद को तकती देखी, दूर खड़ी एक जोड़ी आंखें हमने खुद को तकती देखी, अपनी गली के छोर पे हमने दिल की दुनिया बसती देखी, एक पुरानी हाँ, खिड़की देखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशबू जी, बाट जो आपको होती बूढ़ी शुभकामनाएं दे आंखें जी। रहे हैं। जी धन्यवाद जी जी खुशबू जी। जी बाट जो होती बूढ़ी आंखें, पल पल होती पत्थर देखी, कितने सावन बीत गए जब डाक तार और चिट्ठी देखी, एक पुरानी हाँ, खिड़की देखी। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे आपको कमेंट्स मिले हैं, खुशबू जी ने आपको जी कमेंट मैम, किया है, नीता जोशी जी आपको लगातार कमेंट कर रही हैं, और विकास थैंक सैनी यू जी मैम, आपको वाह वाही दे रहे हैं, थैंक और यू। अर्णव अर्णव मोद आपको बहुत बढ़िया बोल करके आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, शीतल गुप्ता आपसे जुड़ी हैं, आपके लिए जी यहाँ पर कमेंट दे रही हैं, राहुल गुप्ता जी जो हैं वो गजब कह करके आपकी आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और जी दीपिका जी हैं वो वाह वाह कह करके आपका उत्साह वर्धन कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आपको देखिए, चारू जी जो हैं वो भी बहुत बढ़िया कह करके आपका उत्साह वर्धन कर रही हैं, बहुत सारे लोग आपसे जी जुड़े मैम, हैं और सभी आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, और अब आप बिंदास तरीके से और भी अच्छी तरीके से आप अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, इतनी सभी को, सारी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी स्वागत है। जी। अगली कविता में मैं एक काल्पनिक मुलाकात का जिक्र करती हूँ। पिछले 2 वर्ष अच्छा से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं,
तो हाँ जी, अपनों से मिलना किसी सपने जैसा हो गया है। तो एक प्रेयसी सच्चाई है के भाव सुनिए जी, एक जी। प्रेयसी के भाव है इस कविता के माध्यम से। वो अपनी हाँ एक जी मुलाकात के बारे में बताना चाहती है। कभी जी, मिलेंगे फुर्सत से हम, कभी हाँ जी, हाँ मिलेंगे जी, फुर्सत से हम क्षितिज के उस हाँ पार, जहां मेरी आंखें कह देंगी दिल के सब आशार। शोर रहेगा ना दुनिया का, ना होगा कोई इनकार, तुम्हारी अच्छा, धड़कनें सुनेंगी तब मेरा अनकहा प्यार। बस हम दोनों एक गहरी खामोशी और बोलता प्यार, तब शायद पूरा हो जाए मिलन का इंतजार। बहुत बढ़िया, तुम बहुत कह बढ़िया। देना, तुम कह देना वो बात जो दिल में रहती है हर बार, मैं पढ़ लूंगी उन होठों के कंपन का एक एक तार। बिल्कुल, रख दूंगी कांधे पे सर अपना, हो तुम में एकाकार। रख दूंगी कांधे पे सर अपना, हो तुम में एकाकार। तुम रख देना होठों को मेरे माथे के किनार। हाँ, बहुत छू बढ़िया, बहुत लेना बढ़िया। हल्के से मेरी, छू लेना हल्के से मेरी बाली का एक तार। तुम देना हल्के हाथों से मेरी बिखरी जुल्फ सवार। हाँ, क्या बात है। थैंक यू मैम। कहना सुनना हो जाएगा, कहना सुनना हो जाएगा सारा आपकी बार। शब्द नहीं बस प्यार रहेगा बातों का आधार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं लग मैम रहा, आप इसी पहली क्रम बार को पढ़ रही आगे बढ़ाते हैं। अरे मैम थैंक यू हैं। बहुत सो मच, बढ़िया, धन्यवाद मैम, बहुत आभार आपका। फरवरी प्यार का महीना है सब कहते हैं, खुशनुमा मौसम, गुलाबी सर्दी और बसंत ऋतु का आगमन, तो सब कुछ अपने आप स्वतः ही सुंदर हो जाता है। कहते हैं इस जी जी मौसम जी में रूठे हुए दिल भी मान जाते हैं। तो मेरी अगली कविता इसी खूबसूरत मौसम पर है। जी लो फिर आ गया वो गुलाबों का मौसम, रूठे दिलों को मनाने का मौसम। आहा, लो फिर आ गया वो गुलाबों का मौसम, रूठे दिलों को मनाने का मौसम। उसे देखकर बेसबब मुस्कुराना, जो मिल जाए नजरे तो नजरे झुकाना। उसे देखकर बेसबब मुस्कुराना, जो मिल जाए नजरे तो नजरे झुकाना। वो पढ़ने को भूली किताबों का मौसम, लो फिर आ गया वो गुलाबों का मौसम। हाँ, क्या बात है। बहुत कभी खुद ही खूब। मिलना, कभी खुद ही मिलना, कभी दूर जाना, कभी रूठ जाना, कभी खुद मनाना। आंखों ही आंखों में बातों का मौसम, लो फिर आ गया वो गुलाबों का मौसम। हाँ, वो माथे पे छलका सा ठंडा पसीना, वो दुनिया से चुपके संग चाय पीना। वो मफलर वो ऊनी जुराबों का मौसम, लो फिर आ गया वो गुलाबों का मौसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक सुंदर यू। चित्र। अजब अजब सर्द रातों की दुश्वारियां हैं, ना काबू में दिल है मुश्किल में जा है। गले से सनम को लगाने का मौसम, गले से सनम को बहुत लगाने का मौसम, लो फिर आ गया वो गुलाबों का मौसम। थैंक बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यू मैम। बेहतरीन। नीता अब जोशी जी बात कह रही हैं इसकी लाजवाब, है, धन्यवाद आपको मैम। कमेंट मिले हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं लाजवाब, खुशबू मेहता कह रही जी हैं गुलाबों का मौसम सच में दिल का मौसम होता है, बहुत सारे दिल बनाए हैं। जी शीतल जी, नीता जोशी जी, लो फिर आ गया गुलाबों का मौसम, आपके गुलाबों के मौसम ने तो पूरी आज की शाम को गुलाबी कर दिया है। शीतल गुप्ता, बहुत वाह बहुत भाई, आभार मैम, सभी सबका बहुत आभार आप के सबका। सभी की गालों से गुलाबी 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 देखिएगा, है ना, अभी से ही जी अनुभूति आ मैम, रही है। जी जी, मैम, जी मैम, राहुल आप बस 2 ही दिन बाकी हैं गुप्ता, फरवरी को आने में। जी हाँ ये बात भी सही है, राहुल गुप्ता ने बहुत बढ़िया कह करके आपका उत्साहवर्धन किया है। धन्यवाद। जी, स्वागत है तो मैम, जहां जारी बात इश्क रखिए। की है, तो उसके पागलपन जी को समझना भी जरूरी है। तो मोहब्बत जी की जी दीवानगी के सबके अपने अपने मायने हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इश्क में पागल होना। जी जी मुश्किल है कितना दुनिया में,
दुनिया से ही बाहर होना, हो जाना बस एक चेहरे में और उसका ही कायल होना, तुम क्या जानो क्या होता है इस इश्क में पागल होना। वो दिख जाए क्या तो बात। लगता है हर ख्वाहिश का कामिल होना, वो दिख जाए तो लगता है हर ख्वाहिश का कामिल होना, बस एक झलक से उसकी जैसे धूप में भी बादल होना, तुम क्या बहुत जानो क्या बढ़िया। होता है इस इश्क में पागल होना। हर शब्द नया हर बात नई, हर शब्द नया हर बात नई, हर शेर में वो शामिल होना, जब जिक्र करे उनका कोई तब धड़कन का मादिल होना, तुम क्या जानो क्या होता है इस इश्क में पागल होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो दूरी जब दिन धुंधले से और शामों का बोझिल होना, हो ख्वाब ख्याल कहानी किससे, हो ख्वाब ख्याल कहानी किससे, बस उसका ही गजल होना, तुम क्या जानो क्या होता है पागल इश्क में पागल होना। होना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमलेश त्रिवेदी जी कह रही हैं, लाजवाब प्रस्तुति पूजा जी, बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे ही करती रहो, ऊंचाइयों को छू पाओगी, ऐसा हमारा एहसास है। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया। आभार आपका जी। जी आपको आशीर्वाद ही मिल रहा है एक तरीके से ना, और विकास जी मैम आपको बहुत भगवान करते हैं। धन्यवाद। ये तो मैम अलहड़ उम्र की बातें थी, ना समझी ज्यादा होती है और परिपक्वता थोड़ी कम। अब कम अगली होती है। कविता में मैं उन रिश्तों का जिक्र करूंगी जो हमें 40 की उम्र के बाद मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। जी, स्वागत है। जी, कविता का 40 के बाद शीर्षक है के जी, अच्छा ही हुआ जो पहले ना मिले लिखेंगे। हम। अच्छा। जी, इस अलहड़ नादा उम्र में जब आंखें सपनों से भरमाती थी, जब बिन मतलब की बातें भी दिल को कितनी लग जाती थी, उस दौर में मिल जाते हम तो शायद आंखें होती नम, अच्छा ही हुआ जो पहले ना मिले हम। क्या बात है। जब जोश भरा था बातों में, जब हर दिन नई कहानी थी, जब एक झलक दिख जाने की कितनी बेकरारी थी, उस वक्त अगर हम मिल जाते तो कितने गहरे होते गम, अच्छा ही हुआ जो पहले न मिले हम। नाजुक नाजुक सा दिल था मेरा और तुम भी थे बेफिक्र बड़े, नाजुक अच्छा। सा दिल था मेरा और तुम भी थे बेफिक्र बड़े, तब छोटी छोटी बातों पर कितने हो जाते झगड़े। वो दौर बड़ा ही मुश्किल था, वो दौर बड़ा ही मुश्किल था, जब भीगी पल के सोते हम, अच्छा ही हुआ जो पहले न मिले हम। बिल्कुल लाखों बिल्कुल, सपने बहुत मन बढ़िया, में बहुत थे बढ़िया। जी, लाखों सपने मन में थे, अरमान हजारों आंखों में, कुछ बन जाने की ख्वाहिश थी नन्ही कोमल शाखों में। जी गर मिल जाते हम तुम तब, हर ख्वाब कहीं हो जाता गुम, अच्छा ही हुआ जो पहले न मिले हम। बहुत अब बढ़िया। जीवन में ठहराव हुआ, ये अब की बात है कि अब जीवन में ठहराव हुआ और आंखें भी बहती हैं कम, अब जीवन में ठहराव हुआ और आंखें भी बहती हैं कम, दुनिया भर की उलझन सहकर थोड़े मजबूत हुए अब हम। अब ना वाह वाह वाह, बेपरवाह जवानी है, अब ना बेपरवाह जवानी है, ना है वो अलहड़ बचपन, अच्छा ही हुआ जो पहले ना मिले हम। ना बहुत बात बढ़िया। बात पर रोती मैं और तुम भी हुए सयाने अब, ना बात बात पर रोती मैं और तुम भी हुए सयाने अब, छोटी छोटी बातों पर अपना दिल न दुखाते अब। गंभीर क्या हुए बात है। हम दोनों ही, गंभीर हुए हम दोनों ही, तब कितना चंचल सा था मन, अच्छा ही हुआ जो पहले ना मिले हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रिश्तों की गहराई को अब बेहतर हम समझते हैं, रूठे चाहे कितना भी पर दिल में कुछ ना रखते हैं। अब साथ चलेगा जीवन भर अपना ये प्यारा अपनापन, अच्छा ही हुआ जो पहले ना मिले हम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है, सही जी रहा। जी
आगे अधेड़ कुछ में आकर के मुक्तक मेरे आपको पास। सुनाना। जी, अधेड़ उम्र में जो परिपक्वता आती है उसका अलहड़ बचपन से कोई बराबरी हम नहीं कर सकते। बहुत नहीं कर फर्क आ सकते, जाता है सच सोच बोल, में, विचारों में। जी, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। अब विरह वेदना पे कुछ मुक्तक हैं छोटे छोटे, वो मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। जी स्वागत है, स्वागत है। जी, अगर मैं याद आऊं तो मुझको भूल जाना तुम, अगर मैं याद आऊं तो मुझको भूल जाना तुम, न देना प्यार की कसमें, नहीं मुझको मनाना तुम, मुझे अब मोह के बंधन ये सारे तोड़ देने हैं, मुझे अब मोह के बंधन ये सारे तोड़ देने हैं, अगर कोई शिकायत हो तो मुझको कहे सुनाना तुम, अगर बहुत कोई शिकायत हो तो मुझको कहे सुनाना तुम, मैं अब खुद को बदलती हूँ यही संकल्प है मेरा, किनारा कर लिया सबसे यही विकल्प है ठहरा, मुझे मालूम है आसान ही मुश्किल बहुत ये पल, मुझे मालूम है आसान ही मुश्किल बहुत ये पल, हमारे बीच का रिश्ता पर अब भी है बहुत गहरा, हमारे बीच का रिश्ता पर अब भी है बहुत गहरा, हजारों बार मरने से कहीं एक मौत अच्छी है, जो यादें दिल को बहलाएं उन्हीं की बात सच्ची है, मैं अब यूं दूर हूं तुमसे मगर नजदीक इतनी हूँ, मैं अब यूं दूर हूं तुमसे मगर नजदीक इतनी हूँ, कि तुम्हारे मेरे दिल की अनकही हर बात है सच्ची, हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया। अरमान है लेकिन, जी बहुत अरमान है लेकिन मुझे दिल को समझाना है, जरूरी काम है कितने मगर सबको भुलाना है, बहुत झगड़ा किया तकदीर से अपनी सदा मैंने, मगर अब जो हकीकत है गले उसको लगाना है, मगर बहुत अब बढ़िया, जो बहुत बढ़िया। हकीकत है गले उसको लगाना है। धन्यवाद मैम। पूजा जी, वैसे एक बात बताऊं आपको, आप तहत बहुत जी अच्छा मैम, पढ़ती हैं, तहत बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आप गायकी जी में धन्यवाद। अगर प्रवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप बोल अच्छा गाया है, नो डाउट, इसमें कोई शक जी नहीं है, जी लेकिन जितना आपका स्ट्रॉन्ग तहत बन पड़ा है जी उसका मैं कोई तहत मुकाबला नहीं, वही, बिल्कुल उसका मैम, कोई मैं वही मुकाबला नहीं, पढ़ना पसंद करूँ। बहुत बहुत उसका कोई धन्यवाद मुकाबला मैम। नहीं। वो सीधा दिल में उतरता है, जब जी तहत पढ़ती हो ना, जी वो सीधा जाकर के दिल में उतरता है। आप तहत को ही जारी रखिएगा, गायकी बिल्कुल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। जी बहुत मैम, सुंदर जी पढ़ती हैं, बिल्कुल तहत तो जी इतना अच्छा पढ़ती हैं कि लगता है बिल्कुल एकदम सधा हुआ है। वो सधा, जी एक वो जो साधना है ना, वो आपकी तहत में दिखाई जी वो देती है। उसी में है मेरी, बिल्कुल मेरी हाँ उसी में जी है बिल्कुल वो। जी, बिल्कुल तो जी। देखिए, विरह पे शिखर जी ने आपको, मुक्तक नहीं सुनिए जी। पहले, प्रदीप जी ने और नीता जोशी जी ने और साथ में खुशबू जी ने, शीतल जी ने और बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। राहुल गुप्ता जी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपको दे करके आपका उत्साह वर्धन किया है। आपने बहुत बहुत अच्छे धन्यवाद मुक्तक मैम गाए हैं आपका। जी। जी, और तो सुनाइए। विरह के तरीके हैं अपने अपने, अकेलेपन से जूझने के। तो अच्छा जुदाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं नई कविता आपको सुनाती हूँ एक। ये अभी स्वागत है। अच्छा बहुत कम वक्त हुआ जो मैंने लिखी है ये। सुनाइए। हमने इश्क में आहें भरना छोड़ दिया। जी, अच्छा थोड़ा लिखा काफी ज्यादा छोड़ दिया, हमने इश्क में आहें भरना छोड़ दिया, मिल जाए वो शायद भूले रस्तों पर, मिल जाए वो
शायद भूले रस्तों पर, इसीलिए बस घर से निकलना छोड़ दिया, हमने इश्क में आहें अच्छा भरना छोड़ दिया। क्या जीने के बात अरमान जरा से जागे हैं, जीने के अरमान जरा से जागे हैं, इसीलिए अब तुम पे मरना छोड़ दिया, हमने हाँ इश्क में आहें भरना छोड़ दिया। बहुत बढ़िया बहुत लिखे बढ़िया शेर हजारों, लिखे शेर हजारों लाखों गजल पढ़ी, लिखे शेर हजारों लाखों गजल पढ़ी, उस चेहरे को हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने इश्क में आगे पढ़ना छोड़ दिया। कट क्या बात है बहुत सुंदर बहुत जाती है सुंदर जी, कट जाती है रातें उनके सपनों से, दिन में उनकी ख्वाहिश करना छोड़ दिया, अच्छा हमने इश्क में आहें भरना छोड़ दिया। खिल वाह जाता था वाह चेहरा देख के एक झलक, खिल जाता था चेहरा देख के एक झलक, साथ नहीं तुम, हमने हंसना छोड़ दिया, हमने इश्क में आहें भरना छोड़ दिया। वाह 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 क्या बात है क्या बात है कशिश बड़ी थी उसकी मीठी बातों में, कशिश बड़ी थी उसकी मीठी बातों में, हमने अब दुनिया को सुनना छोड़ दिया, हमने इश्क में आहें भरना छोड़ दिया। हाँ क्या बात क्या बहुत रखा था सुंदर अब उसके बिन जीने में, क्या रखा था अब उसके बिन जीने में, जिंदा है बस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, हमने इश्क में हाँ आहें भरना छोड़ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हम अगली कविता पढ़ती हूँ, उन खूबसूरत आंखों के लिए, जिन आंखों में न जाने अच्छा कितनी ही किताबें जो है उनको समेट रखा है, उन आंखों ने न जाने कितनी किताबों को, न जाने कितनी रचनाओं को उन आंखों ने समेट रखा है। अच्छा स्वागत है जी, आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है, ओहो आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है, जब सब रहते हैं गुमसुम से वो चुपके चुपके हंसती है, वो आहा करती बातें फूलों की, वो करती बातें फूलों की, वो लिखती किस्से बादल के, वो पैर रखे जब धरती पर तब बजते घुंघरू पायल के, आहा अरमान गगन में उड़ने का, अरमान गगन में उड़ने का, पर नजरें नीची रखती है आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। निर्झर झरने सी बहती वो, डरती नहीं पहाड़ों से, सूरत से आंख मिलाए वो लड़ जाए स्याह घटाओं से, सूरत से बहुत आंख बढ़िया मिलाए वो लड़ जाए स्याह घटाओं से, चाहत परियों से मिलने की, चाहत परियों से मिलने की, पर बात जमीनी करती है आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है। बहुत खूब बहुत खूब इसकी बहुत सुंदर बहुत जी, सुंदर इसी कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, कागज पर शब्द मोहब्बत के, कागज पर शब्द मोहब्बत के, धड़कन के सुरहे लहजे में, कागज पर शब्द मोहब्बत के, धड़कन के सुरहे लहजे में, मुस्कान रखे वो अधरों पर, दिल में जख्म है गहरे से, वो बांटे खुशियां दुनिया को, वो बांटे खुशियां दुनिया को, पर दर्द जहन में रखती है आंखों के गहरे काजल से वो काला जादू करती है, जब सब रहते हैं गुमसुम से वो चुपके चुपके हंसती। क्या कहने क्या कहने क्या कहने बहुत बढ़िया प्रदीप जी ने नीता जोशी जी ने जी खुशबू जी ने और शोभा रस्तोगी जी ने सभी ने आपका बहुत 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 उत्साहवर्धन धन्यवाद किया सभी को ये जी, रचना बहुत धन्यवाद मैम पसंद सभी आई प्रदीप को। मेरे जी लिए बिल्कुल इन लोगों की जो प्रशंसा है मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है, मैं बहुत अभी नई हूँ इस फील्ड में, मेरे लिए सब कुछ बहुत बड़ी बात है मैम, जो आपने मुझे यहाँ बोलने का काव्य पाठ का मौका दिया उसके लिए दिल से आभार मैम आपको। बहुत अच्छा लग रहा है आपका यहाँ पर आना ना और एक रचना और रख सकते हो आप 4 मिनट हैं यदि आप चाहें तो जी, मैं सुनाती हूँ आपको, श्रृंगार रस पर जी लिखने लिखने का मेरा वो है, तो कभी आंखें कभी काजल, कभी होठ कभी मुस्कान, तो मैं अपने आराध्य कान्हा जी की मुस्कान पर एक कविता लिखी है मैंने, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जी जी और जी उन्हीं को स्वागत है आपका समर्पित करती हूँ। अंतिम अरे वाह कविता स्वागत मेरी कान्हा जी को ही मैं समर्पित करती हूँ। अरे वाह हृदय स्वागत है के धरातल पर,
जी, हृदय के धरातल पर जो छोड़े अमिट निशान, ऐसी निश्चल प्रेममय कान्हा तेरी ये मुस्कान। हृदय के धरातल पर जो छोड़े अमिट निशान, ऐसी निश्चल प्रेममय कान्हा तेरी ये मुस्कान। जीवन अमृत भर दे जब, जीवन अमृत भर दे जब, निश्चेत हो रहे प्राण, ऐसी जीवट निष्कपट, मीठी सरल सुजान, कान्हा तेरी ये मुस्कान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंदम। अधर अधर बांसुरी सी लगे कभी राधा का गुणगान, अधर बांसुरी सी लगे कभी राधा का गुणगान, जोगन मीरा की लगे कभी सुमधुर तान, कान्हा तेरी ये मुस्कान। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ध्रुव तारे सी शुभ्र धवल, ध्रुव तारे सी शुभ्र धवल, अर्ध चंद्र का मान, ध्रुव तारे सी शुभ्र धवल, अर्ध चंद्र का मान, दुख की बदली यूं छटे जब चले मोहिनी बाण, कान्हा तेरी ये मुस्कान। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ना बढ़िया। दिन देखे, ना दिन देखे ना ही निशा, ना इसे प्रहर का भान, ना दिन देखे ना ही निशा, ना इसे प्रहर का भान, हर युग में है ये काल जयी, हर युग में है ये काल जयी, प्रखर सूर्य समान, कान्हा तेरी ये मुस्कान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी कभी अडिग कैलाश सी, कभी अडिग कैलाश सी, कभी गंगा का विश्राम, कभी सरयू की शांतता, कभी सागर सा कोहराम, कान्हा तेरी ये हाँ, मुस्कान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो धूप कष्ट की तीव्र कहीं, या सुख की छांव सुहान, हो धूप कष्ट की तीव्र कहीं, या सुख की छांव सुहान, मेरे अंतर द्वंद को बस यही मिले समाधान, कान्हा तेरी ये मुस्कान, कान्हा तेरी ये मुस्कान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा जी, आनंद आ गया। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी को आभार, सभी साहित्यकारों को बहुत आभार। नरेश चंद्र जी भी कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और जी हमारे धन्यवाद जी, टीम के नीता जोशी जी सभी ने बहुत अच्छा रचना पाठ किया है, सभी रचना बहुत ही खूबसूरत आपकी रही हैं। और इसके अतिरिक्त शीतल गुप्ता जी जो हैं वो भी आपको उत्साहवर्धन कर रही हैं, मोहित जी हैं उन्होंने भी जी आपका खुले दिल धन्यवाद, से खूबसूरत कह करके आपका उत्साहवर्धन किया है, राहुल गुप्ता जी ने आपका उत्साहवर्धन किया है, अर्णव ने आपका उत्साहवर्धन किया है, और शोभा जी ने आपका उत्साहवर्धन किया है। आपकी इस कान्हा की मुस्कान पर हम सभी फिदा हो गए हैं, और स्वाति जी बहुत जो है बहुत वो आभार लाजवाब मैम, कहते हैं। कान्हा जी की मुस्कान सच में सबको सभी धन्यवाद को मैम। आकर्षित करती है, और आपकी इस रचना ने सभी को सच में आज चार चांद लगाए हैं, और आप इसी प्रकार बहुत से धन्यवाद, बुलंदियां छूते रहें, ईश्वर से प्रार्थना है, और इसी प्रकार से आप मंचों पर अपना सिक्का जमाती रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और मुझे लगता है कि अब हमारा आभार काम हो गया है। नरेश चंद्रा जी, आपको हार्दिक बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम साहित्य साधिकाओं का पर्व नहीं है, ये कार्यक्रम एक तरीके से एक सम्मान है, महिलाओं को सम्मान है, जो जी मैम, सम्मान आप अपने इस मंच के माध्यम से दे रही हैं। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक साधुवाद आपको। और देखिए मतलब इतनी रात गई भी, आधी रात हो गई है, अभी 24 बजने जी वाले मैम, हैं, है ना, और इतने पर भी सभी के चेहरे पर नूर है। चलते चलते सभी के नूर को दो पंक्तियां एक दोहे के माध्यम से मैं समर्पित करूंगी। नूर फिरोजा सा लगे, मेरा गला बहुत खराब है, तबीयत ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको गाकर नहीं, ऐसे टेक्स्ट में बोलूंगी, तहत में सुनाऊंगी। नूर फिरोजा सा लगे जलवा भी तुम प्यार, नूर फिरोजा सा लगे जलवा भी तुम प्यार, रंगते रुखसार का तुम हो पारावार। आप सभी उपस्थित रहे तो ये कार्यक्रम सफल रहा, और इस कार्यक्रम में जान आई है, नूर आई है, और इस नूर का कहीं ना कहीं आप लोग ही पारावार हैं। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद।